स्टूडेंट, ये है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। पूरा टॉपिक एनसीईआरटी से करा रहा हूँ, दूसरी बुक से बाद में कराऊंगा मैं। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय सटन एंड बोवरी। ये थ्योरी सटन और बोवरी ने दी थी, और दिस थ्योरी वाज बेस्ड अपॉन पैरेललिज्म बिटवीन फैक्टर एंड क्रोमोसोम्स। फैक्टर और क्रोमोसोम में पैरेललिज्म के ऊपर ये थ्योरी बेस्ड थी। पैरेललिज्म मतलब सिमिलरिटी। सटन बोवरी ने क्या पैरेललिज्म देखी? देखो, एक तरफ ले रहा हूं फैक्टर, एक तरफ ले रहा हूं क्रोमोसोम। फैक्टर पेयर में मिलते हैं, फैक्टर्स आर फाउंड इन पेयर, पढ़ा है हमने। कैपिटल बीबी से ब्लैक कलर को कंट्रोल करेगा, कैपिटल टीटी तो हाइट को कंट्रोल करेंगे। तो दो, एक करेक्टर के लिए दो फैक्टर थे, तो फैक्टर पेयर में मिलते हैं। फैक्टर आर फाउंड इन पेयर फॉर ईच करेक्टर, हर करेक्टर के लिए दो फैक्टर है पेयर में। क्रोमोजोम भी पेयर में होते हैं, सुने होंगे 23 पेयर क्रोमोजोम आरेंद्र है। क्रोमोजोम्स आर आल्सो फाउंड इन पेयर, फैक्टर पेयर में, क्रोमोजोम भी पेयर में मिलते हैं, एक समानता होगी दोनों में। फैक्टर आर सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। कौन सा लॉ है ये कि फैक्टर गैमेट के वक्त सेग्रीगेट हो जाते हैं? ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है कि फैक्टर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था, किसी के पास अगर दो फैक्टर है तो गैमेट में एक जाएगा, गैमेट में टीटी, कैपिटल टीटी है तो गैमेट में एक गया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्रोमोसोम भी सेग्रीगेशन शो करते हैं, क्रोमोसोम भी आधे हो जाते हैं मियोसिस से। क्रोमोसोम्स आर आल्सो सेग्रीगेटेड, सेग्रीगेटेड में अलग होना, क्रोमोसोम्स आर आल्सो सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। 23-46 क्रोमोसोम, 23 एक गैमेट में जाएंगे, 23 एक में जाएंगे, हर पेयर का एक क्रोमोसोम जाएगा गैमेट में। फर्स्ट क्रोमोसोम का एक पेयर, सेकंड क्रोमोसोम का पेयर है उसमें से एक जाएगा, थर्ड में से एक जाएगा, तो क्रोमोसोम्स भी सेग्रीगेट हो जाते हैं, गैमेट बनते हैं। तब अगर मैं कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर की बात करूं, तो ये पेयर क्रोम, ये पेयर फैक्टर का अलग है, ये अलग है, लिख दो टू पेयर ऑफ फैक्टर्स, एक पेयर ये एक ये, टू पेयर ऑफ फैक्टर्स शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये और ये क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली सेपरेट होगी। असॉर्टमेंट का मतलब था मैक्सिमम कॉम्बिनेशन, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कितनी बनेगी। असॉर्टमेंट मतलब अलग होना भी होता है, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कितनी बनेगी। तो ये दो अलग हो गए, ये दो अलग हो गए, इसके साथ ये भी, इसके साथ ये भी, तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन है ये। अच्छा, क्रोमोसोम भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं, क्रोमोसोम्स आल्सो शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसे एक क्रोमोसोम ये एक ये एक ये, ये दोनों भी साथ जाता है, ये दोनों साथ, इसके साथ ये जा सकता है, इसके साथ ये जा सकता है, क्रोमोसोम भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं, फैक्टर भी शो करते हैं। ये सारी बात को देख के सटन बोवरी ने क्या कहा? When Sutton and Bowrey, जब Sutton and Bowrey ने देखा, क्या देखा? Above parallelism, जो ऊपर जो parallelism या similarity दिखाई है, parallelism या similarities, Sutton and Bowrey ने देखा ऊपर वाली parallelism,
बिटवीन फैक्टर एंड क्रोमोजोम्स। फैक्टर क्रोमोजोम ये इतनी पैरेललिज्म देखी, देन ही कंक्लूडेड, फिर उसने निर्णय लिया, निष्कर्ष पे आया। उसने देखा सटन बोरी ने इतनी समानता फैक्टर क्रोमोजोम में, तो उसने कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला? कि जो फैक्टर है आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोजोम, फैक्टर क्रोमोजोम पे है, फैक्टर क्रोमोजोम पे है। इफ क्रोमोजोम शो, इफ क्रोमोजोम फैक्टर क्रोमोजोम पे है, और क्रोमोजोम अगर शो करेगा सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, फैक्टर अगर सेग्रीगेशन या इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट शो करेगा, तो क्रोमोजोम अगर सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट शो करेगा तो फैक्टर तो अपना भी करेगा, उसी के ऊपर तो है फैक्टर, फैक्टर क्रोमोजोम पे है। और क्रोमोजोम अगर सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट शो करेगा तो देन फैक्टर्स आल्सो शो, फैक्टर भी शो करेगा। डायग्राम से दिखाना है अभी जो टॉपिक, मैं डायग्राम से दिखा रहा हूँ, मुझे गौर से देखो। ये एक सेल है और इससे दो सेल बनेगी और फिर चार सेल बनेगी, चौथी सेल में इधर दिखा देता हूँ। ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, दो सेल है और ये चार सेल। जैसे मान लो ये क्रोमोजोम है, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, इस पे कैपिटल आर जीन है, इधर कैपिटल वाई जीन है, इधर स्मॉल आर इधर स्मॉल वाई, कैपिटल ना कैपिटल आर की तरफ तो लो स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, और इधर है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये है। तो क्या किया, ये कौन सी स्टेज है, ये पूरे क्रोमोजोम इधर सेपरेट हो रहे हैं, ये क्रोमोजोम सेपरेट हो रहे हैं, तो स्टेज का नाम बताओ कौन सी जब क्रोमोजोम सेपरेट होते हैं। तो बोलो ये एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज स्टेज में कैपिटल आर स्मॉल आर अलग हो रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई अलग हो रहे हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई अलग हो रहे हैं, क्रोमोजोम सेपरेट होने लग रहे। फिर क्या होगा, इधर क्रोमोजोम आ गया कैपिटल आर वाई का, फिर कैपिटल आर वाई टूट गया, ये टूट गया, कैपिटल आर की दो आर्म टूट के कैपिटल आर इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, और कैपिटल वाई भी टूट गया, कैपिटल कैपिटल वाई इधर जा रहा है और कैपिटल वाई इधर भी जा रहा है, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई है ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ सेपरेट हो गए थे, ये मियोसिस फर्स्ट एनाफेज फर्स्ट में कैपिटल आर वाई इधर चला गया, स्मॉल आर वाई इधर चला गया। फिर उसके बाद में एनाफेज सेकंड जब चलेगी, एनाफेज फर्स्ट में तो पूरा का पूरा क्रोमोजोम सेपरेट हो रहा है, कैपिटल आर वाई का इधर और स्मॉल आर वाई का इधर सेपरेट हो रहा है, ये अलग कर दूं। फिर कैपिटल आर वाई वाला क्रोमोजोम टूट गया एनाफेज सेकंड में, फिर कैपिटल आर वाई इधर, तो ये आ गया कैपिटल आर वाई का क्रोमोजोम, दो कैपिटल आर वाई के हो गए। ये कैपिटल आर वाई का एक इस सेल में गया, अब फिर टूटा तो कैपिटल आर वाई के दो बन गए, इधर से स्मॉल आर वाई के आए इधर, तो स्मॉल आर वाई के जो टूटेंगे तो स्मॉल आर वाई के दो बन जाएंगे, स्मॉल आर वाई के जो, तो यहाँ पे कैसे दिखाओगे, ये स्मॉल आर वाई के ये टूट के जा रहे हैं अभी, इधर से स्मॉल आर वाई के हो गए इधर स्मॉल आर वाई के, स्मॉल वाई का स्मॉल वाई का ये सेपरेट हो रहे हैं, ये एनाफेज सेकंड।
ये डायग्राम एनसीईआरटी से देखना तुम्हारे को। अब ऐसे दिखाऊं तो क्या जरूरी है ऐसे ही अरेंज होंगे ये क्रोमोजोम? हो सकता है इधर कैपिटल आर और स्मॉल आर जो था, और कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर के साथ की तरफ क्या कैपिटल वाई वाला जरूरी है ना, स्मॉल वाई वाला हो सकता है, इधर कैपिटल वाई वाई का हो सकता है। अब जो सेल बनेगी वो क्या होगी? दो तो बनेंगे कैपिटल आर वाई की, कैपिटल आर और स्मॉल वाई की, कैपिटल आर स्मॉल वाई की दो सेल, और दो बनेंगी कैपिटल आर स्मॉल वाई की, दो बनेंगी स्मॉल आर कैपिटल वाई की, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहां क्या दिखाओगे? क्रोमोजोम टूट के अलग होने लग रहे हैं, ये अलग हो रहे हैं, जो ये अलग हो रहे हैं, एक तरफ कैपिटल आर स्मॉल वाई अलग हो रहा है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इधर अलग हो रहे हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। मैं एनसीईआरटी से समझाता हूँ ये डायग्राम, जो ढंग से तब समझ आएगा, रुको एक मिनट। ये देखो, इधर देखो, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये चार क्रोमोजोम है, चार अलग अलग कलर से। मान लो इस पे कैपिटल आर है, इस पे स्मॉल आर है, इस पे कैपिटल वाई और इस पे स्मॉल वाई। क्रोमोजोम ऐसे कर रखे हैं, इसका मतलब सेपरेट हो रहे हैं। क्रोमोजोम कौन सी स्टेज में सेपरेट होते हैं? मियोसिस फर्स्ट में, एनाफेज में, ये क्रोमोजोम सेपरेट हो रहे हैं। पूरे के पूरे क्रोमोजोम आ गए यहां पे, फिर क्या होगा? ये दो क्रोमोजोम आ गए इधर, फिर एनाफेज सेकंड में टूटेगा क्रोमोजोम, तो कैपिटल आर का इधर भी गया, ये क्रोमोजोम टूट गया, तो कैपिटल आर का इधर भी गया और इधर भी गया, और कैपिटल वाई का इधर भी गया और इधर भी गया, और फिर ये दो सेल बन गई, कैपिटल आर की और कैपिटल वाई की। क्या कहा मैंने? एक तरफ कैपिटल आर वाई का क्रोमोजोम ये अलग हो गया, मियोसिस फर्स्ट में ये अलग हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर मियोसिस फर्स्ट के बाद जो सेल बनी है उसमें एनाफेज सेकंड चले गए, एनाफेज सेकंड में क्रोमोजोम टूटता है, तो कैपिटल आर वाई टूट के इधर आ गए और इधर भी चले गए, तो दो सेल बन गई कैपिटल आर वाई की जो है। अब इधर आओ, ये दो है, ये अलग हो गया था इस सेल में, फिर एनाफेज सेकंड होगी इसकी, एनाफेज सेकंड में क्या होगा? स्मॉल आर इधर भी स्मॉल आर है टूट के, स्मॉल आर इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, और स्मॉल वाई इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, तो दो सेल बन गई स्मॉल आर की और स्मॉल वाई की। कैपिटल आर कैपिटल वाई ये अलग हो गए, ये अलग पहले मियोसिस फर्स्ट में अलग हो गए दोनों क्रोमोजोम, ये अलग हो गए, अब फिर क्रोमोजोम टूट के कैपिटल आर वाई की दो सेल हो गए, कैपिटल आर वाई के क्रोमोजोम टूटे, स्मॉल आर वाई के टूटे। फिर इसमें क्या दिखाया है भाई? मियोसिस फर्स्ट में एनाफेज स्टेज है, ये मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज स्टेज है, क्रोमोजोम सेपरेट हुए मियोसिस फर्स्ट में, तो कैपिटल आर वाई वाला इधर आ गया, इधर वाला आ गया, फिर मियोसिस सेकंड में क्रोमोजोम टूटा, तो ये स्मॉल आर वाई का टूट के दो स्मॉल आर वाई की बन गई सेल, कैपिटल आर वाई का टूट के दो कैपिटल आर वाई की सेल हो गई। पहले तो कैपिटल आर स्मॉल आर अलग कर दिए म्यूसिस फर्स्ट में, कैपिटल वाई स्मॉल वाई अलग कर दी, फिर उसके बाद टूटा तो कैपिटल आर वाई की सेल बन गई और स्मॉल आर वाई की दो सेल बन गई। इधर क्या दिखाया फिर? इसमें उल्टा दिखाया अरेंजमेंट, कैपिटल आर स्मॉल, ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, इसकी जरूरी नहीं है इधर कैपिटल वाई हो, इधर स्मॉल वाई भी हो सकता है, इधर कैपिटल वाई हो, इधर कैपिटल आर स्मॉल आर तो ठीक है, लेकिन इसके साथ स्मॉल वाई इधर हो कैपिटल वाई इधर हो, फिर क्या होगा? अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? फिर मियोसिस फर्स्ट होगी तो ये अलग हो गए, कैपिटल आर की सेल अलग हो गई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई वाली सेल अलग हो गई और स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई वाली सेल अलग हो गई। अब की बार कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई अलग हो रही है, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई अलग हो रही, और जब ये क्रोमोजोम टूटेंगे ये हो गए कैपिटल आर वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो ये इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट दिखाया है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई एक तरफ जा सकता है, स्मॉल आर वाई एक तरफ जा सकता है, या इधर देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई एक तरफ चले गए दो सालों में, स्मॉल आर स्मॉल वाई एक तरफ चले गए, या उल्टा हो सकता है,
कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई चला गया, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई चला गया, या स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई चला गया, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई चला गया, स्मॉल कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई चला गया। तो यही तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। एक सेल से दो सेल बनी, इसमें तो कैपिटल साथ रहे, कैपिटल आर वाई और स्मॉल आर वाई साथ रहे। इसमें इसमें क्या रहा, स्मॉल आर वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई साथ रहे, अब की बात कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, या कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। लेकिन कैसे दिखाया है, म्योसिस फर्स्ट के एनाफेज में तो क्या दिखाया, म्योसिस फर्स्ट के एनाफेज में ये क्रोमोजोम सेपरेट हो रहे हैं, एक क्रोमोजोम में दो क्रोमेटिड है। लेकिन म्योसिस सेकंड के एनाफेज में क्रोमोजोम टूट के एक क्रोमोजोम एक ही क्रोमेटिड है जो सेपरेट हो रही है। तो ये था टॉपिक, ये टॉपिक था क्रोमोजोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हाँ, एक डायग्राम और ले लो, इसमें सेम डायग्राम है, ये वही सब कुछ वही है, जर्म सेल चार एनाफेज सेकेंड फर्स्ट, पर इसमें जीवन और जी टू स्टेज दिखाई है। पर जीवन स्टेज में चार, जी टू में तो रेप्लिकेशन हो लिया डीएनए का, डीएनए रेप्लिकेशन हो लिया, तो एक क्रोमोजोम दो क्रोमेटिड दिखाई है, ये चार क्रोमोजोम थे एक क्रोमोजोम दो क्रोमेटिड दिखाई है, इसका मतलब जी टू स्टेज है। जीवन में बस एक एक क्रोमोजोम एक क्रोमेटिड दिखा देना, ये चार क्रोमोजोम है एक क्रोमोजोम एक क्रोमेटिड है जीवन में जो। तो ये एनसीईआरटी की बुक से प्रैक्टिस करो, बार बार बना के देखो डायग्राम, एनसीईआरटी की बुक को गौर से देखो, डायग्राम बार बार बनाओ, और फिर भी ना समझ में आए तो बताना मेरे को, क्योंकि ये पूरा म्योसिस वाली चैप्टर पे बेस्ड है, एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, ये धीरे धीरे समझ में आएगा। इस डायग्राम को बार बार बना के देखो, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, सबसे मुश्किल डायग्राम है, एक लिंकेज का बहुत मुश्किल है डायग्राम, ये दो डायग्राम बहुत मुश्किल, लगभग स्टूडेंट छोड़ देते हैं जो, और मार्क्स कट जाते हैं जो। तो ये ढंग से देखना इन दोनों डायग्राम्स को जो। अब है अगला क्वेश्चन, वाई मेंडल वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। मेंडल को जब उसका मेंडल के टाइम पे उसको कोई जानता ही नहीं था कौन मेंडल है जो, इसके काम को ज्यादा रिकॉग्निशन या मान्यता क्यों नहीं मिली, सुनो क्यों नहीं मिल पाई। हिज वर्क वाज नॉट वाइडली पब्लिश्ड। जब इसने अपनी बात बताई तो ऐसी पत्रिका में अपना वर्क दे दिया जिसकी पब्लिकेशन बहुत थोड़ी हो पाई, थोड़े से एरिया में लोगों तक पहुंच पाई मेंडल की बात। तो मेंडल का काम था जो, वो वाइडली पब्लिश नहीं हुआ, बहुत दूर तक एरिया में पब्लिश नहीं हुआ। ऐसी पत्रिका में पब्लिश हो जाता कि पूरे देश को मालूम पड़ जाए, पूरी दुनिया को मालूम पड़ जाए, तो वो फेमस हो जाता। लेकिन उसका काम जो था वो इतने ज्यादा एरिया में पब्लिश नहीं हुआ। इसके अलावा ही यूज्ड मैथमेटिक्स इन हिज वर्क, अपने काम में मैथ का यूज किया, लोगों को समझ में नहीं आया वो। एक तो उसका काम इतना लोगों तक पहुंच ही नहीं पाया, दूसरा मैथ का इस्तेमाल किया, मैथ लोगों को समझ में नहीं आया, इसलिए वो फेमस नहीं हो पाया। ही डिड नॉट गिव फिजिकल प्रूफ ऑफ, वो प्रूफ नहीं दे पाया, किसका प्रूफ नहीं दे पाया, फैक्टर का। जब लोगों ने कहा भाई फैक्टर तू बोल रहा, दिखा तो सही सेल में फैक्टर है भी, वैसे ही बोल रहा है कि बॉडी के कैरेक्टर फैक्टर से कंट्रोल है, फैक्टर दिखा, तो उसका सबूत नहीं दे पाया मेंडल, फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया फैक्टर का, फैक्टर दिखा ही नहीं पाया लोगों को जो। और मेंडल वर्क जो था वो अपोज कर रहा था थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। पहले जो थ्योरी थी वो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस की थ्योरी थी, कि जिसे राउंड और रिंकल को क्रॉस कराया था बीच का आना चाहिए, येलो ग्रीन को क्रॉस कराया था बीच का आना चाहिए, मेंडल से पहले सब ये मानते थे। लेकिन मेंडल ने पहली बार कहा, बोला ब्लेंडिंग नहीं होती करेक्टरिस्टिक की, राउंड रिंकल क्रॉस कराया तो राउंड ही आएगा, येलो ग्रीन क्रॉस कराया येलो ही आएगा। तो मेंडल का वर्क जो पहले की थ्योरी जो ब्लेंडिंग और इनहेरिटेंस वाले, उसको अपोज किया मेंडल ने, अपोज कर दिया, बोला गलत हो तुम जो है। तो लोगों ने ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस थ्योरी का अपोजिट था, लोग ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस थ्योरी को मान रहे थे,
मान रहे थे, इसलिए खुद की थ्योरी रिजेक्ट हो गई, लोगों ने इसकी थ्योरी को नहीं माना, वो उसको उन थ्योरी को मान रहे थे ब्लेंडिंग थ्योरी को, तो इसलिए मेंडल का वर्क। तो मेंडल का वर्क, मेंडल तो 1884 में मर गया था, इसका वर्क 16 साल बाद, मेंडल का वर्क 16 साल बाद तीन साइंटिस्टों ने रीडिस्कवर किया। कौन कौन थे तीन साइंटिस्ट जिन्होंने मेंडल के काम को दोबारा डिस्कवरी की? कालकोन, शेरमाक और हुगो डी ब्रुइस। तीन साइंटिस्ट आए जिन्होंने मेंडल के काम को दोबारा डिस्कवर किया। हुगो डी ब्रुइस आया, मेंडल के लॉ को रीडिस्कवर किया, हॉलैंड का था। कालकोन आया, जर्मनी का था। और शेरमाक ऑस्ट्रिया का था, उसी मेंडल के कंट्री का था। तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के लॉ को, मेंडल के काम को दोबारा से डिस्कवरी की। हुगो डी ब्रुइस हॉलैंड का, शेरमाक ऑस्ट्रिया का और कालकोन जर्मनी का। तीनों ने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया, जो दोबारा से डिस्कवरी की। तो इस तरह से था। सबसे मुश्किल तो इसमें दिक्कत तुम्हारे को ये डायग्राम समझ में आएगी, तो ये समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आएगी तो फिर दोबारा देखेंगे जो।